कोरोना कोविड 19 के प्रकोप मराठा आरक्षण और अन्य तकनीकी कारणों से राज्य में भर्ती परीक्षाएं नियुक्ति ठप है नतीजतन राज्य में लगभग एक दशमलव पाँच मिलियन छात्र अस्वस्थ है पिछले दो तीन साल से परीक्षा स्थगित करने नियुक्ति में देरी करने समेत गरीब आम परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है साथ ही कोरोना ने भी कहर पर पा रखा है इससे छात्रों को शारीरिक आर्थिक और मानसिक रूप ऐसी नुकसान हो रहा है ये सभी मामले राज्य की दृष्टि ऐसी घातक है अगर युवा और छात्र बेजार हो रहे हैं, तो राज्य की प्रगति भी बाधित होगी आप युवा मोर्चा में निम्नलिखित मुद्दों पर संविधान चौक में आंदोलन किया और जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन दिया है नमस्कार मैं स्वप्निल सोम आप युवा गाड़ी उत्तर नागपुर अध्यक्ष पूरी तरीके से बेरोजगार हो चुके हैं उनकी जो समस्या है वो समस्या है ठाकरे सरकार महाविका महाविकास आघाड़ी सरकार ये नहीं देख पा रही है हमारी ऐसी दस मागनियाँ है जो उन्होंने पूरी करनी चाहिए ये दस से पंद्रह दिनों में उन्होंने ये पूरी दस मागनियाँ जो हमारे है आप ये बोर्ड पे देख सकते हो पुलिस भर्ती उन्होंने नहीं ली है ये उनकी जब से सरकार आई है वो पुलिस भर्ती उन्होंने लेना चाहिए एम पी एस सी ऐसी जो, जो परीक्षा है वो परीक्षा का जो वेड़ा पत्रक है वो जाहिर करने को चाहिए उनको सी आई टी मध्य पदवती कर संयोजक के, के मार्गदर्शन में इसका नेतृत्व आपके युवा संयोजक पीयूष आखरे और नागपुर युवा अध्यक्ष गिरीश तेतरमारे ने किया पिछले तीन वर्षों से जून 2018 से जून 2021 तक राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या छ के बजाय दो रही है पिछली सरकार और वर्तमान सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है नतीज न लेने की प्रक्रिया धीमी हो गई है और आयोग की अधिकारियों आरोप कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उपस्थित होते हैं एम भले ही एक संवैधानिक संस्था है लेकिन यह सरकार की कटपुतली की तरह काम कर रही है जो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षतिजात देशमुख की रिपोर्ट